टेक्नोलॉजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सरायमीरा क्षेत्र में तिरवा क्रॉसिंग के पास लीकेज पाइपलाइन फटने से आसपास की दुकानों में भरा पानी। कन्नौज शहर के सरायमीरा क्षेत्र में तिरवा क्रॉसिंग के पास लीकेज पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पीने योग्य पानी बहकर बर्बाद हो रहा। इसी के साथ यह पानी वहां मौजूद दुकानों में भी भर गया है। इससे दुकानदारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि नगर पालिका द्वारा बीते 2 माह पूर्व इसी लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य किया गया था, लेकिन 2 माह के बाद ही लीकेज पाइपलाइन दोबारा फट गई। इससे आसपास की दुकानों में पानी भर गया है। सीबी सैनी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।